हाय एवरीवन, वेलकम टू सुजास किचन। अब बारिश के मौसम आई है तो गर्मा गर्म पकौड़े किसी को भी अच्छी लगती है। आज मैं लेके आई हूँ साउथ इंडियन की बहुत ही पॉपुलर पकौड़े की रेसिपी, जिसे कहते हैं मंगलोर की स्पेशल गोली बजे। ये इंस्टेंट रेसिपी है और ये चाय के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं 1 कप मैदा, 1/2 कप दही, 1/4 कप चीनी और 1 बड़े चम्मच जितना फ्रेश नारियल, 1 हरी मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 2 बड़े चम्मच जितना कट किया हुआ हरी धनिया, स्वाद अनुसार नमक और 1/2 छोटी चम्मच अदरक और 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा लिए हैं। इस सारे सामग्रियों को एक बाउल में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा ही पानी मिलाते हुए इसे सेमी थिक बैटर बनाएंगे। ये जो बैटर है ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी मिक्स करते हुए बैटर बनाना है। अभी हमारा बैटर रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी ये परफेक्ट है। और इसे ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए। अभी 15 मिनट हो चुकी है, फिर से हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अभी हम इसे तलने के लिए तेल गरम के लिए रख देंगे हाई फ्लेम पे। अभी तेल गरम हो चुकी है, अभी फ्लेम को मीडियम रखें और गरम हुए तेल में बैटर को ऐसे डाल देंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो गोली बजे फूल फूल के ऐसे ऊपर आने लगे हैं, इसे पलटते हुए गोल्डन ब्राउन आने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसे निकालेंगे। अभी आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है, अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। इसे हम एक प्लेट में निकाल के रखेंगे। इसी तरह बचे हुए बैटर से और भी गोली भजे बनाएंगे। ये जो गोली भजे बाहर से थोड़ा सा क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट रहता है। अभी हमारा सेकंड बैच के गोली भजे भी बनके तैयार है। इसमें गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं चटनी या टमाटो केचप के साथ, और इसे चाय के साथ खाने में मज़ा ही कुछ और है। आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरा ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और कमेंट करें। मेरा चैनल पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।